18वीं लोकसभा में ओबीसी कल्याण संबंधी संसदीय समिति का गठन इसी महीने किया गया और बीजेपी सांसद गणेश सिंह इसके अध्यक्ष हैं। दरअसल 29 अगस्त को इस समिति की पहली बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के मणिकम टैगोर, टीएमसी के कल्याण बैनर्जी और डीएमके के टीआर बालू ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाते हुए मांग की कि आने वाले दिनों में चर्चा के एजेंडे में जाति जनगणना को भी शामिल किया जाए। दरअसल इस समिति में ज़्यादातर सदस्य बीजेपी के हैं, इसलिए जाति के इस मुद्दे पर उन्होंने चुप रहेगी ठीक समझा। लेकिन एनडीए गठबंधन की सहयोगी पार्टी जेडीयू का प्रतिनिधित्व कर रहे सांसद गिरधारी यादव भी जाति जनगणना के इस मुद्दे पर विपक्ष के सुर में सुर मिलाते दिख रहे हैं और जेडीयू ने केंद्र गृह मंत्री के अधिकारियों को बुलाकर उन्हें ओबीसी के बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाने की विपक्षी सदस्यों की मांग का समर्थन किया। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि जेडीयू पहले भी जाति जनगणना का समर्थन करती आ रही है, बल्कि पिछले साल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में जाति सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था। गौरतलब है इस सर्वेक्षण के बाद आंकड़े भी सार्वजनिक किए गए थे। हम लोगों ने मिलकर के अपनी बात रखी है, अनुरोध किया। अब ये जो कोर्ट का मामला है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से संबंधित मामला, अब उसके सिलसिले में सारी बातें आई है, तो इसका उससे कोई संबंध नहीं है। हम तो यही आग्रह करेंगे कि इस चीज पर ठीक ढंग से विचार करके, पुनर्विचार करके इसको जातिगत जनगणना कराया जाए, हम लोग तो यही चाहें। और रही बात आप कहिएगा राज्य में जी, तो हम लोग राज्य में फिर सब पार्टी के लोगों के साथ बातचीत करेंगे, हम लोग बैठेंगे और क्या करना चाहिए इसके बारे में। सर, इस मामले लेकिन एनडीए की एक लौती पार्टी नहीं है जो जाति जनगणना के इस मुद्दे पर विपक्ष के सुर में सुर मिलाती दिख रही है, बल्कि बिहार की लोजपा आर पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान भी सार्वजनिक तौर पर देशव्यापी जातीय जनगणना की मांग का समर्थन कर चुके हैं। देखिए, मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है, कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनजर रखते हुए, उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है, ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए, ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके उस योजना को लेकर या उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने को लेकर। ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। मैं इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि ऐसे आंकड़े समाज में डिवाइड क्रिएट करेंगे। ऐसे में मैं चाहता ज़रूर हूँ, कई बार न्यायालय के द्वारा भी आबादी को लेकर मांग की गई है, पूछा गया है कई बार सरकारों से कि फलाना जाति की क्या आबादी है। तो ऐसे में ये आंकड़े मैं मानता हूँ कि कम से कम सरकारों के पास होने चाहिए। अब आते हैं हम अपने पहले सवाल पर कि क्या एनडीए गठबंधन में फूट पड़ने पर शुरुआत हो गई है। और दरअसल इसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पार्टी में अंदरूनी खलबली तो है, तो कोई खबर सामने नहीं आ रही। बस जाति के इस मुद्दे पर एनडीए की इन पार्टियों का साथ विपक्ष को मिल रहा है। और दूसरा सवाल ये कि क्या जाति जनगणना होगी, इसे लेकर भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर जेडीयू और चिराग पासवान जाति जनगणना की मांग पर अड़े रहे तो शायद दबाव में आकर मोदी सरकार को जाति जनगणना करवानी पड़ सकती है। लेकिन अगर ये पार्टियां सरकार पर दबाव नहीं बना पाएंगी तो फिर शायद जाति जनगणना को सरकार हरी झंडी नहीं दिखाएगी। खैर, जाति जनगणना होगी या नहीं ये तो देखने की बात है। देखते रहिए न्यूज़ 24 इंडिया।